हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद वापस ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि इतने दिन मतलब कुछ ब्लॉग बनाने का कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कल सुबह थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, फिर मैं पूरे दिन सोई रही, तो फिर कई ब्लॉग बनाऊँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा मुझे नहीं बनाना। तो फिर कल भी ऐसा हो गया, पूरे दिन सो गई, उस चक्कर में रात को नींद नहीं आई और आज सुबह उठा ही नहीं गया। तो आज है मंडे और आज सुबह मैं उठ ही नहीं पाई जल्दी, तो फिर इनको भी थोड़ा जल्दी जाना था, तो फिर ये टिफ़िन नहीं लेके गए। तो अब मैं उनके लिए टिफ़िन बनाऊंगी, तो वो किसी को भेज देंगे, मतलब पास में ही ऑफिस को, मतलब किसी को भेज देंगे, तब तक तो मैं बना लूँगी टिफ़िन। और मैं हूँ, मेरे नाश्ता बनाना है, मैंने नाश्ता कर लिया है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सच्ची में बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए, तो अजीब सा स्टार्ट करने में भी लग रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ क्या हुआ? क्या लिया मेहू ने? क्या लिया मेहू ने? हाँ इधर आओ, इधर आओ, ब्लॉग में हाय करो इधर। हाँ क्या हुआ? इधर देखो, इधर देखो, हाय करो इधर ही साथ से। तो मैं बना रही यहाँ पे मेहू के लिए उपमा। आज मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाले क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि इनके लिए खाना भी बनाना है। और ना बिना वेजिटेबल के ही अच्छे से खाती है इसको, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से यही खाती है, बाकी तो वेजिटेबल्स वगैरह डाल दो तो कम ही पसंद करती है ये चीज़ें। तो मैं खिचड़ी वगैरह में डाल के फिर मैश करके खिला देती हूँ सब्जियाँ। तो बाकी तो ये उपमा वगैरह ज़्यादातर मैं ऐसे प्लेन ही बनाती हूँ, और जल्दी बन भी जाता है तो वो भी सही रहता है। क्या मम्मा? मम्मा क्या है? तब अब इतनी मतलब वो हो गई है ना ये, कि मतलब कुछ भी इसको चाहिए तो मेरे से आके बोलती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। इसकी चेयर उठाएगी और लेके जाएगी वहां पे, और फिर खुद मतलब चेयर पे चढ़ के कुछ भी लेना होगा इसको जो ले लेगी ये, इतनी मतलब वो हो गई है ये तो। हाँ और देख रही है कि मेरी बातें हो रही है। क्या मम्मा बोलो? देखो खुद के बाल खींचने से क्या होगा? हाँ तेरे को ही दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है क्या? तो यहाँ पे रेडी है हमारे मेहू का नाश्ता। चलो फटाफट इसको मैं नाश्ता करा देती हूँ। एक बार मैंने इसको यहाँ बिठाया था और ये गाड़ी चलाते चलाते यहाँ आ गई। इसको ना पैर देख दबा के मतलब आगे बढ़ना आ गया, तो इसको पता है कि मैं यहाँ पैर रखूंगी तो गाड़ी आगे जाएगी। तो ये यहाँ पे आ गई और अब क्या करेगी, ये इसके ऊपर चढ़ेगी और फिर ये लॉक लेने की कोशिश करेगी। मुझे पता है बेटा। हाँ तो चलिए अब मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। इसने थोड़ा बहुत खाया है, थोड़ा ही खाया, क्योंकि मैंने ना इसको मेरे साथ थोड़ा खिला देती हूँ ना, फिर ये यूँ करती है, अपना खाना खाने में थोड़ी लकड़ी करती है। तो अब मैं फटाफट पहले इनके लिए टिफिन बना देती हूँ, पता नहीं जल्दी भी भेज सकते लेने, क्योंकि इनका कोई भरोसे नहीं है। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ और फोन यहाँ पर रख देती हूँ नीचे। और आज ना मतलब मुझे लगता है ना ये इसलिए भी टिफिन नहीं लेके गए, क्योंकि इनको लगा ना आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल शाम को ये खुद भिंडी लेके आए थे। मैंने इनको सब्जी लेने के लिए भेजा, मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ आप ले आओ सब्जी, तो ये खुद भिंडी लेके आए। और अब इनको पता था कि आज भिंडी लाया हूँ तो भिंडी बनेगी, तो इसलिए भी शायद टिफिन नहीं लेके गए होंगे। तो अभी मैंने फिर ये गए, फिर मैंने फ़ोन किया, तो फिर बोला कि नहीं, मैंने बोला मैं बना देती हूँ टिफिन आप ले, तो बोले नहीं मत बना। मैंने बोला क्यों, मैं बना देती हूँ ना, तो क्या अच्छा क्या बनाएगी? तो मैंने बोला कि आलू पालक बना देती हूँ, पालक पड़ी है पहले हम लाए थे एक बार, तो क्या अच्छा आलू पालक ठीक है बना दे आलू पालक फिर, बाकी भिंडी बोलती ना
मैं पिंडी बोलती तो ये नहीं बोलते कि मत बना मुझे नहीं खाना, तो ये वाली बात है क्योंकि इनको भिंडी नहीं पसंद है, पसंद है ना, तो फिर इसलिए टिफिन नहीं लेके गए। और मैंने फ़ोन किया तो भी ना बोल दिया कि नहीं मत बना टिफिन, भिंडी नहीं खानी इनको। और मैंने तो सुबह पहले ही आलू वगैरह मैंने पहले ही काट दिया था, आटा गूंद लिया था मैंने, आलू काट लिए थे, बस पालक ही काटनी बाकी थी। पर इनको ये लगा होगा कि ये आलू भिंडी बना रही है, तो इसलिए फिर ये जल्दी जल्दी रेडी होकर चले गए। तो खाना बन चुका है मेरा और अब मैं टिफिन भर रही हूँ। और ना इनका ऑलरेडी एक बार फ़ोन आ गया है कि खाना बना या नहीं बना, कि मुझे पता था कि ये ऐसे ही करेंगे। और अभी तक टाइम नहीं हुआ है, बाकी नॉर्मली इतना जल्दी नहीं भेजते हैं, लेकिन आज थोड़ा ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पर भर रही हूँ टिफिन और मैं नीचे देख के आती हूँ। मैं थोड़ा ना एक बार कपड़े चेंज करके फिर जाऊँगी, क्योंकि ये मैंने वाइट ऐसा पहन रखा है ना, इस पे सब सब्जी के दाग लगते हैं, क्योंकि कल से पहन रखा था तो थोड़ा गंदा भी हो गया था। तो मैं ये हमारी सब्जी आलू पालक की और ये मुझे थोड़ी कम पसंद है। और मेहू को मैं शायद नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो मैं इसको पास में छोड़ के जाऊंगी, फटाफट देख के आ जाऊंगी। और धूप भी बहुत ज्यादा धूप है आ रहा है, तो इसलिए मेहू को नहीं लेके जाऊंगी मैं। चलिए मैं फटाफट एक बार चेंज कर लेती हूँ और थोड़े बाल बाल सही कर लेती हूँ। तो हमारा टिफिन रेडी है और किचन की हालत कुछ ऐसी है, आके सही करते हैं फिर। लिफ्ट तो चल रही है, लाइट नहीं है फिर भी, लेकिन अगर मैं मेहू को लेके आई होती ना तो फिर नहीं चलूंगी। ये मेरे साथ हर बार होता है, क्योंकि जिस दिन मैं लेके चली जाती हूँ ना नीचे, फिर मैं तो सीढ़ियों से आना पड़ता है। अच्छा ये कर रही थी तू इतनी देर? हाँ चलाओ चलाओ, अरे ऐसे थोड़ी चलाते हैं क्या। हाँ चलो अब चलते हैं घर पे, चलते हैं, आ जाओ आ जा। हेलो, तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि ना फिर मेहू को मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी, क्योंकि इसको ना बहुत ज्यादा जुकाम लग गई है, तो सही नहीं हो रहा है। मेहू उठ, तो इसने इतना परेशान किया ना मुझे मेडिसिन देने में, फिर इसको मैंने जैसे तैसे सुलाया, फिर ये सो गई बिना नहाई। अब ये ना उठी है, फिर मैंने इसको नहलाया है और अब मैं सोच रही हूँ ना मेरे जो चूड़ियाँ वगैरह है ना, ज्वेलरी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मेसअप हो गया है, वो मतलब इस वाले ड्रो में मैं रखती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ मैं, तो इसको मुझे थोड़ा सही करना है। बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी थोड़ा मतलब टाइम है खाना वगैरह बनाने का, तो ये भी कर लेती हूँ। मेहू को देखो बहुत हो रही है आज, मतलब जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं दो दिन से उसको मेडिसिन दे रही हूँ। तो ये जो टीवी के नीचे वाला है ना ड्रो, उसके उसमें ये बीच वाले में मेरा सब ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह, लेकिन अभी मैं जब सूरत गई थी उसके बाद आके मैंने ना सही नहीं किया था, ऐसे ही सब रख दिया था, और कहीं जाते आते ना तब से वैसे ही सब हो जाता है, तो ये सब मैं सही करूँगी अभी। और ये देखो सबसे पहले तो ये लग जाती है मेरे, तो ये देखो आप लोग, इसीलिए ना मैं ये सोने का वेट करती हूँ मैं, कि मतलब ये जिस दिन सो जाए ना उस दिन मैं करूँ, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, क्योंकि ये सोती है तब दूसरे भी सब काम होते हैं, तो फिर ये सब लेके नहीं बैठ सकते, और इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब इसको जैसे वैसे रख के मैं मतलब आज तो कर लेती हूँ, फिर मुझे ऐसा बिखरा बिखरा देख के ना अच्छा नहीं लगता है, तो अब मैं जैसे तैसे इसको रख के कर लेती हूँ एक बार। तो चलिए अब मैं आपको सब एक बार सब सेट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट किया है।
आप लोग देख सकते हो ये मतलब बिल्कुल भी करने नहीं दे रही है मुझे, मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूँ, लेके आ जाओ, वो लेके आ, लेकर आओ जाओ। क्यों फेंका उधर, उधर क्यों फेंका, लेके आ, लेके आ, हाँ ले फाइनली मैंने मेहू को रखते रखते भी थोड़ा सही कर लिया है, मतलब देखने लायक तो मतलब हो ही गया है एटलीस्ट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बॉक्स, ये वाला बॉक्स का ना ये मतलब ढक्कन फट गया था पूरा, तो वो मैंने फेंक दिया था, लेकिन ये थोड़ी बहुत चूड़ियाँ इसमें रह गई है। फिर इसमें ये दो चूड़ियों का सेट है और थोड़े मैंने मतलब दो सेट शायद इसमें है, मतलब ये तो सही था, मैं इनको कहीं लेकर नहीं गई थी इसलिए। हाँ ये तो पहले से ही सेट ही था, तो ये है। और इस वाले में जो भी सब एक्स्ट्रा है मतलब चूड़ियाँ वगैरह जो भी वो सब इसमें मतलब सेट नहीं है पूरे, और ज्वेलरी वगैरह सारी इसमें है, और इसमें भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है और बाकी सारी चूड़ियाँ ये इसमें पूरा फुल इस तरह से इसमें सेट हो गई है। तो चलो थोड़ा बहुत तो सही हुआ है, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो ये ऐसे रह जाएगा। पता नहीं अभी नहीं अब कितने दिनों तक ऐसे रहेगा ये, क्योंकि एक दिन भी कहीं बाहर जाने का होता है ना, पहनने का होता है, तो फिर ये पहनो वो पहनो फिर इधर उधर सब हो जाती है, तो फिर वापस एक चूड़ी एक सेट में सिर्फ हुआ तो फिर दूसरों के भी अपन वो नहीं करते कि चलो अब सब हो ही रहा है तो छोड़ दो, सब सही करने का टाइम नहीं मिलता है फिर बाद में। तो ये है, मेहू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा ही परेशान किया, मैं जो सेट सही कर रही थी ना उसमें ही आके वो बिगाड़ रही थी, बाकी इतनी सारी चिड़िया पड़ी थी उसको कुछ लेना देना नहीं था उससे। अब तो उसके डैडी आ गए तो अब उनके साथ खेल रही है, और अब मैं बनाऊँगी खाना, तो आज देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। और अभी तक मुझे मेकअप तो मेरा उस बैग में पड़ा है, वो वैसे ही पड़ा है, उसको मैंने कुछ नहीं किया है, उसको भी मैं थोड़ा बहुत सेट करूँगी, देखते हैं अब वो कब टाइम मिलता है। तो मेहू तो गई मेहू के डैडी के साथ नीचे और हम बनाएंगे खाना। सो मैंने ना इनसे सब्जी मंगाई थी आज भी, तो आज भी ये कुछ सब्जी नहीं लेके आए हैं, और फिर मैं क्या बनाऊंगी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी तो मतलब बनाना है दलिया, ये मैंने दलिया मंगाया था, दलिया लेके आया, दलिया ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेहू के लिए भी हम ज़्यादातर दलिया बनाते हैं और हम भी शाम को दलिया ही खाते हैं, तो दलिया लेके आए हैं और सब्जी कुछ भी नहीं लाए, और फिर कल वापस वही भेजा मारी है क्योंकि भिंडी पड़ी है सब्जी में, अब तो कुछ नहीं है, लौकी है लेकिन लौकी ये खाते नहीं है, मेहू के लिए बनती है लौकी। तो अब फ़ोन करती हूँ यार, सब्जी के लिए बोला सब्जी नहीं लेके आए, नीचे चले गए इसको लेके मेहू को। चलो अब देखते हैं, अभी मैं तो हाल फिलहाल तो दलिया की तैयारी करती हूँ। मुझे नहीं पसंद है, आप क्या खाओगे? देखो अभी तक इस लड़की को बस बाहर ही जाना है। हाँ चलो कहाँ जाना है बता, कहाँ जाना है? बाहर। अबे इतना तो घुमा के लाई हूँ तुझे मैं। नहीं बेटा अब नहीं चले। भगवान सब बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? अब मैं इसको घंटा भर से घुमा के लाई हूँ नीचे, घंटे घंटे भर तो ज्यादा हो गया होगा, घंटे भर से फिर भी इसको नीचे जाना यार। अब मैं खाना बनाऊंगा इसको लेके जाऊं नीचे।
हम ना सब्जी लेने चले गए थे, मतलब मैंने फोन किया इनको कि सब्जी तो लानी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने बोला कि तू तो नीचे आ जा तो अपन सब्जी ले आते हैं। तो फिर हम सब्जी लेके आए। चलो अब देखो आप लोग, ये चेयर रूम में पड़ी थी, रूम में से लेके आई है, इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था इसलिए। हम लोग सब्जी लेके आए, फिर ऊपर आए तो इन्होंने बोला मैं जिम जा रहा हूँ, तो फिर ये जिम जा इनके साथ जिम जाने के लिए साथ में पड़ गई। तो फिर इन्होंने बोला कि ज़्यादा ही रो रही है तो तू नीचे लेके आ जाए, इसको थोड़ी देर खिला के वापस ले आना ऊपर। तो मैं घंटे भर से ज़्यादा इसको नीचे घुमाया, मैंने साइकिल पर घुमाया है और फिर बच्चों के साथ भी इतना गार्डन में खेल के आई है, अब आके वापस वही बात, चलो नीचे। अब मैं खाना बनाऊँ इसको नीचे लेके घुमाती रहूँ बस, इसलिए ना मैं इनको बोलती हूँ कि आप जिम ना सुबह जाया करो तो शाम को मतलब इसको टाइम दे सको, लेकिन ये भी सुबह उठ के जाते नहीं है जल्दी, फिर शाम को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। शाम मतलब पूरा दिन तो ये रह लेती है, लेकिन एक बार ये आ जाते हैं ना ऑफिस से फिर नहीं रहते, फिर इसको बस होता है कि चलो नीचे लेके चलो मुझे, पहले से इसकी आदत पड़ी हुई है ना नीचे लेके जाने की। अब ये जिम जाने लग गए तो अब ये नहीं रहती है। थोड़ा खेलने में पड़ी है तब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट। आप मुझे बताओ आप टिफिन क्यों नहीं लेके गए सुबह? लेट हो गए। नहीं नहीं नहीं, पिंड बना रहा था इसलिए ना। नहीं लेट नहीं नहीं, तो फिर मैंने जब फोन किया आपको टिफिन बना लेता, आपने ये क्यों पूछा कि क्या बनाएगी, फिर मैंने बोला आलू पालक बनाती हूँ, तो फिर आपने बोला हाँ ठीक है बना ले। बताओ गुस्सा आ रहा था। नहीं तो ये जो पूछा कि क्या बना रही है, क्योंकि आपको पता था कल आप भिंडी लाए हो, तो आज भिंडी बनेगी। भिंडी मेरे लिए लाई तो भिंडी क्यों नहीं, तो आधा किलो भिंडी मैं अकेले खाऊंगी। तू जा खा ले ना खाना ला अभी। नहीं अरे खाना लेके आ। ये है सच्चाई इनकी, टिफिन क्यों नहीं लिए, टिफिन बन गया था, आटा गूंथ लिया था मैंने, आलू मैंने काट लिए थे, मैं आलू पालक भी बना रही थी सुबह। हाँ तो मैं वो रोटी खाना, मेरे को ऑफिस जाना था। हाँ ये बनना है तो चलिए गाइस अब आज का ब्लॉग एंड करते हैं, और कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके प्लीज बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी जल्दी बनाऊँ नेक्स्ट ब्लॉग भी। और मैं हूँ हमारी थोड़ी सी नाराज़ है मुझसे, क्योंकि ना हमने इसको अभी मेडिसिन दी है, इसको जुकाम सही नहीं हो रहा, हम जब से घर से आए हैं तब से इसको जुकाम सही नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत जगह का पानी पी रहा है एक साथ में, तो इसलिए उसको खतरनाक वाला जुकाम लग गया। हाँ वो सही नहीं हो रहा है, मैं दो तीन दिन से मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है, मतलब जुकाम मुझे भी लग गया था और खांसी वगैरह मुझे भी आने लग गई थी, क्योंकि एक ही दिन में ना हमने बहुत सारी जगह का पानी पी लिया था ना, तो उसकी वजह से। और अभी मैंने इसको मेडिसिन दी है, मतलब हम दोनों ने मिलकर दी है। हाँ बेटा तो क्या रोई है, मतलब क्या रोई है, तो करता यार क्या दे, कड़वी कड़वी दवाइयाँ होती है। हाँ बेटा